हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके जो फीस एग्जिबिशन के लिए नोटिस है वो जारी कर दिया है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फ़ी एग्जिबिशन का नोटिस जारी कर दिया है। जैसा कि आप इग्नू की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आप नोटिस देख रहे हैं, नोटिफिकेशन फॉर फ़ी एग्जिबिशन फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट्स इन जुलाई 2021 एडमिशन साइकिल। तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट ने जुलाई 2021 के लिए एडमिशन लिया है या जुलाई 2021 के लिए री रजिस्ट्रेशन करवाया है और वो स्टूडेंट्स एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ी एग्जिबिशन का जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस नोटिस में आपको ये बताया गया है, विद रेफरेंस टू द स्कीम ऑफ फ़ी एग्जिबिशन ऑफ इग्नू अंडर एस सी एस पी टी एस पी ग्रांट द बेनिफिट ऑफ फ़ी एग्जिबिशन इज एक्सटेंडेड टू द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू एस सी एस टी कैटेगरी। तो जो भी स्टूडेंट एस सी एस टी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अभी जुलाई 2021 सेशन में न्यू एडमिशन लिया है या फिर उन्होंने री रजिस्ट्रेशन करवाया है जुलाई 2021 के लिए, तो उन्हें उनकी फ़ीस में एग्जिबिशन दिया जाता है। आप जो भी प्रोग्राम करेंगे तो उस प्रोग्राम के लिए आपको फ़ीस में छूट दी जाएगी। अब वो कौन कौन से प्रोग्राम है जिसमें आपको छूट दी जाएगी, तो यहाँ पे आपको नीचे प्रोग्राम की लिस्ट दी गई है कि इन प्रोग्राम्स में आपको छूट दी जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बीएजी, बीकॉम जी, बीएससी जी, एडवांस सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एडवांस सिक्योरिटी इन पावर डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, यानी यहाँ पे टोटल आपके, तो यहाँ पे टोटल आपके 84 प्रोग्राम्स दिए हुए हैं जिसमें आपको छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों, इन सभी प्रोग्राम के लिए आपको छूट मिलने वाली है, पर इसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई है, उन कंडीशन का आपको पालन करना होगा। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बताया गया है, द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम इज एक्सटेंडेड ओनली इन एकेडमिक प्रोग्राम गिवन इन द लिस्ट। जो यहाँ पे आपको लिस्ट दी गई है, सिर्फ उन्हीं प्रोग्राम के लिए आपको छूट दी जाएगी और अलग से किसी प्रोग्राम के लिए आपको छूट नहीं दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्कीम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मॉड्यूलर सर्टिफिकेट डिप्लोमा प्रोग्राम विच फ्रॉम पार्ट ऑफ डिग्री प्रोग्राम बेनिफिशरीज हु आर इनरोलिंग इन अ सर्टिफिकेट लेवल प्रोग्राम अलॉन्ग विद एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। अगर कोई भी स्टूडेंट दो प्रोग्राम एक साथ करता है, वो बैचलर प्रोग्राम भी कर रहा है और वो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम भी कर रहा है, तो उसे दोनों प्रोग्राम में फीस में छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि उसे एक में ही छूट दी जाएगी, आपको दो में छूट नहीं दी जाएगी। अगर यदि आप दो प्रोग्राम एक साथ कर रहे हैं तो आपको दोनों प्रोग्राम में छूट नहीं दी जाएगी, आपको सिर्फ एक प्रोग्राम में छूट दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ, एस सी एस टी एप्लीकेंट हु आर एलिजिबल एंड विलिंग टू अवेलेबल द बेनिफिट्स ऑफ फी एग्जिबिशन सेल सबमिट देयर एप्लीकेशन इन ऑनलाइन मोड। जब आप एडमिशन लेते हैं, एडमिशन लेने के बाद जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे आपका कैटेगरी का ऑप्शन आता है, आप किस कैटेगरी के हैं, तो वहाँ पे आपको एस सी एस टी सिलेक्ट करना होता है। जब आप वहाँ पर एस सी एस टी सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद वहाँ पर आपका आता है डॉक्यूमेंट्स के लिए कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और यहाँ पर और वहाँ पर ये भी ऑप्शन आता है कि क्या आप फी इसमें छूट चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया है, एप्लीकेंट शुड अप्लाई विद अ कास्ट सर्टिफिकेट। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको बताया गया, एप्लीकेंट शुड बी एलिजिबल एज पर लेट रिक्वायरमेंट टू सीक एडमिशन इन द स्पेसिफाई एकेडमिक प्रोग्राम इंक्लूडिंग एंट्री क्वालिफिकेशन एज। आपका जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन हो रहा है तो आप उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए, जब भी आपको फ़ीस में छूट दी जाएगी। साथ के साथ आपको यहाँ पे ये भी बताया गया, एस सी एस टी स्टूडेंट हु वर गिवन एग्जिबिशन ऑफ फी ड्यूरिंग फ्रेश एडमिशन सेल बी एलिजिबल फॉर एग्जिबिशन ऑफ फी इन री रजिस्ट्रिंग इन जुलाई 2021 साइकिल। और जिन स्टूडेंट को पहले एडमिशन में छूट दी गई थी, तो आपको अभी जुलाई 2021 में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन करवाया है तो उसमें भी आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद इसमें ये भी लिखा है, एप्लीकेंट शुड नॉट बी एम्प्लॉयड। आप किसी भी गवर्नमेंट
या सेमी गवर्नमेंट में या प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। आपको इसके लिए अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे कि आप जो हैं इज नॉट एम्प्लॉयड टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विद एडमिशन एप्लीकेशन, कि आप काम नहीं करते हैं कहीं पर, इसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। साथ के साथ यहाँ पे आपको बताया गया है एप्लीकेंट हैज नॉट टेकिंग एनी बेनिफिट्स ऑफ एग्जेप्शंस। आप कहीं से भी, आपको कोई भी स्कॉलरशिप फंडिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स एजेंसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी, और यदि आपको स्टडी के टाइम पर कोई भी स्कॉलरशिप फंडिंग मिलता है तो जब भी आपको इसकी छूट नहीं दी जाएगी, आपको प्रोग्राम के लिए छूट नहीं दी जाएगी अगर आप कहीं से भी कोई फंडिंग या स्कॉलरशिप ले रहे हैं। तो दोस्तों ये सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है कि आपको आपकी फ़ीस में छूट कैसे मिलेगी जब आप ये सारे प्रोग्राम, जो यहाँ पर आपको 84 प्रोग्राम्स दिए गए हैं, तो इनमें आपको कैसे छूट दी जाएगी। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर आपका ऑप्शन आता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब आप उसे सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स मांगता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, और फीस एग्जेप्शंस के लिए ऑप्शन आता है कि क्या आप फीस में छूट चाहते हैं। इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको फीस में छूट दी जाती है। तो दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें आपको बताया गया कि आपको फीस में कैसे छूट दी जाएगी यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।